गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 31 मई और आज मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया बिकॉज मेरा जो फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है लोगों के साथ उनको मैं प्लान्स डिलीवर कर रहा था और काफी सारे नए लोग भी जो वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, काम धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरा और अभी जस्ट मैंने सारे प्लान्स को डिलीवर करा है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आंखों में चढ़ रखी है नींद, तो जल्दी जल्दी मैं सोता हूँ और फिर मैं कल आपको मिलता हूँ। Goes on left, left because you left me. I am thinking about you, but the you meaning opposite of you. मतलब me. Hey guys, welcome back to the channel. और आज है day 2. किचन में है तो पता ही है ब्रेकफास्ट बनाना है, तो जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। दोनों भी उठ चुके हैं। जस्ट हमने ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म कराया और हमने जाना है अभी चिकन लेने के लिए, लेकिन अभी पड़ रही है बारिश। गाइस ना तुम एयरपोर्ट दिखा दो। ओह सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दुकान चिकन की तो वो बंद है और यहाँ पे नॉर्मल स्टोर खुला है, तो किसी से देख रहे हैं कुछ खाने का। ओके सो फाइनली हमें दूसरी शॉप भी मिल गई है ये वाली, और वो देखो एक्चुअली में एक पेट होना ज़रूरी है। अगर कोई पेट होता है ना तो वो साथ होता है हमारे, क्योंकि मैं लॉन्ग ऑफ फ्यूचर में ले आए हम आपके लिए चिकन। ओके खाना खा के हम हो गए हैं रेडी चैलेंज बनाने के लिए। कितना गंदा बोल रहा सागर, तो खाना बनाने के रेडी। और आज मेरे को सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए एक चीज़ रियलाइज हुई कि जैसे कि जो भी मम्मियाँ होती है दीदियाँ होती है ब्रेकफास्ट बनाती है तो वो सबसे एंड में क्यों खाती है, बिकॉज अगर वो खाने लग जाएंगी तो फिर जो बाकी है जिनके लिए बना रही वो कैसे खाएंगे, ऐसा मेरे को लगा। हाँ, है ना, ये होता है ना। हाँ ये मेरे को लगा। तो यार जब से जितने बार मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो लगभग या तो एंड में ही खाया या साथ में खाया है। हाँ, तो या ऐसा होता है तो हाँ हैट्स ऑफ भाई ऑल लेडीज आउट देयर। जो लास्ट हमने चैलेंज वीडियो बनाया था ट्राई नॉट टू लाफ, उसमें मेरी नेपाली की काफ़ी तारीफ हुई, सो थैंक यू सो मच पहले तो उसके लिए। और अब से मैं शपथ ले रहा हूँ कि आगे से मैं कभी नेपाली बोलूँगा नहीं, गुड बिकॉज उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आपकी नेपाली सुन के हम डर चुके हैं, सो वैसे मैं आगे से नहीं करूँगा। इरिटेट मत करो यार, मुझे मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखो आगे व्लॉग में आ गए आप, देखो बस लाने की बात थी ना, बस देखो आगे तो अभी जस्ट हमारी लड़ाई हुई है। वही नहीं, आप भूल जाते बंद करना। अरे मैं भी उधर आ रहा था यार। ये भी रखा कर ऐसे करके। आप भी तो करते हो करते हैं आप भी हो इसको रखने के, आपको भी है। कल रात तो नहीं बोल सकते थे आप। हमारी जस्ट बात हो रही थी तो ऐसी लड़ाई लड़ाई में बोला कि आप भी तो हमारे ब्लॉग में आते हो या नहीं आते जो भी है। तो वर्षा दी ने बोला अब तुम ला के दिखाओ मेरे को ब्लॉग में, और ले आए ब्लॉग में। और क्या खोलो तो खोलो यार, क्या 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 नाटक है ये। फालतू अब मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि क्या अब सच में स्ट्रेटजी बनाते हैं। अरे मतलब हम लोग बेसिकली एक चैलेंज सोच रहे हैं। तुम लोग के चैलेंज में ना, तुम लोग के वीडियोस, तो दोनों के वीडियोस में मेरे को ला के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं काम है उसमें, समझे। अच्छा अकेले दोनों के कुछ भी नहीं बनता। आपका आपका भी सेम, आपका भी, हम दोनों के अलावा कोई काम नहीं। आपका कौन सा बनाओगे? चलो दीदी कह रहे हैं कि हम दोनों के अलावा अकेले बना सकते हैं। दीदी वही ना, तो अकेले बताए कंटेंट बता रहा हूँ मैं कि बनाएगी वो वाला मेकअप। अच्छा फर्स्ट वीडियो रिक्रिएट कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। हाँ तो जस्ट हम अभी स्ट्रेटजी सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। सुनना ही नहीं अब लो यार। चलो चलो मैं कैमरा बंद करता हूँ, देन फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि क्या प्लान बनाया हमने। ओके सो हमने जस्ट अभी चैलेंज सोचा और चैलेंज का नाम होगा
10 सेकंड चैलेंज, जो कि आई होप आपने वर्षाती के चैनल में देख लिया होगा, नहीं देखा तो फिर जाके देखो। अभी देखो, अभी हमने करा भी नहीं तभी मैं बोल रहा हूँ कि जाके देख लो, इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे कल वर्षाती दी वीडियो डाल देगी। और बस 10 सेकंड चैलेंज है, इसमें हमें 10 सेकंड में अपना चैलेंज कंप्लीट करना है, जो भी हमको टास्क मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, वर्षाती के चैनल में देखना। दिस इज व्हेन सडनली ऑनलाइन पेपर्स हैपेंस। तो जिसके भी ऑनलाइन पेपर्स चल रहे हैं, सो बच्चों ध्यान रखो, शेयर करो, भाइयों बहनों शेयर करो, शेयर नहीं कर सकते तो शेयर बनो। सो यार, जिसके भी ऑनलाइन पेपर्स चल रहे हैं, पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे दिन ना देखने पड़े आपको। हाँ, अभी जस्ट हम चैलेंज खत्म करके बैठे ही थे, तो वर्ष दीदी ने सोचा कि क्यों ना थोड़े रील बना लिए जाए। डेडिकेशन डेडिकेशन बहुत है दीदी के अंदर। तो ये देखो, ये बनती है वीडियो, मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, और अब मैं भी यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, जैसे करा। या हेयर आई एम, बन गया मैं इन्फ्लुएंसर। लो पकड़ो। ओके, सो हम जा रहे हैं वर्षा दीदी के शूट के लिए, बिकॉज इनके पास कोई फोटो नहीं है, ये बोल रहे हैं ऐसा। अभी अपलोड किया है, हाँ ऊपर जाना है, ये बहुत खींच देते हैं। हमारे सिस्टर खुद आएगी, अपने असिस्टेंट को भी लेके आएगी, स्पॉन्सर। और अभी हमने आकाश के चैनल के लिए एक और चैलेंज शूट किया है, आज के दिन का दूसरा चैलेंज, उसमें देखना मजा आएगा आपको। इनका मजा था, मेरा सजा था। अच्छी लग रही है भाई कैमरे में, कसम से गोल्डन सा आ रहा है, मतलब ये कैमरे में अच्छा आ रहा है, गोल्डन गोल्डन okay, बहुत खाती है ना। सो भाई नहीं, उसको समझ ही नहीं आया। वर्षा दीदी का मुझको लाने का एक कारण है, ये फोटो अच्छी खींचता है और ये मेरे को हंसाता है, तो मैं फोटो में नेचुरल हंसी हंसती हूं। तो ये आज हम आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देने वाले हैं कि कैसे हंसाए। हाँ, और ये इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती मार रही है तू कैमरे में। हाँ, सागर अच्छा खींचता है, मैं नहीं खींचता, तू उसने खींची थी। हाँ, इनको नहीं अच्छी है, इनको अच्छी आप लगी। हाँ, वही हाँ, इसको अच्छी नहीं लगी। हाँ, चलो पहले फेक स्माइल कर दो। दीदी का एक्चुअली रैंडम फोटो अच्छा था ना, तो सागर दे हंसाते, तो अब तू मेरे बातों मेरे शक्ल में नहीं हंसती, तो चलो 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 फोटो फोटो, वर्कआउट भी करना है भाई, मैंने वर्कआउट भी करना है, चलो जल्दी। पिज्जा में डालते क्या है, चीज। सी देखो मेरा ऐसे बाल से। मम्मी 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 मम्मी। ए सो ये एक लाइन जो आप बोल सकते हो इन नेपाली, अंडर एस्टिमेट मत करो सागर। देखो दीदी के हाथ में है ड्यू, तनुराम थोड़ा हंसी दियो। अली की हंसी दियो, हंसी दियो। ये भगवान भाई, देखो क्या फोटो आई। अब एक जो तूने नहीं सुना था, हम दोनों ने सुन लिया। अच्छा चलो, डंडे को रस्सी से जल्दी कस दो, तनु बेटा हंस दो। ये अच्छी आई है, वही तो बोलो, वही वाला तो बोलो, इससे खतरनाक जिस भाषा में। भाई फुल शायर है ये। रस मलाई में होता है थोड़ा रस, वो रस दो तुनु बेटा, हंस दो हंस दो हंस दो। खुद तो परेशान हुई थी, हमें भी परेशान करने में तभी तू लिए। नहीं, तुम लोग साफ मुझे मना भी कर सकते कि मैं नहीं बनाना, ठीक है? नहीं बनाना, नहीं बनाना, मत दिखाओ, नहीं बनाना, तो मत बनाओ। बना रहे बना रहे, चिड़ी जाती है ना एक तैयारी, इसी में हम पिघल जाते हैं। चल थोड़ा बना देते हैं। अभी हम इसलिए हंस रहे हैं, अभी हम इसलिए हंस रहे हैं, आप दोबारा देखो, नाचते क्या, हमें मत देखना, सागर देखो, देखना दोबारा। मेरे को यार, मेरे को डांस नहीं आता इसी करके। फाइनली रील्स ना बनती भाई हमसे, नहीं बनती। ओके सो तो काफ़ी टाइम पहले मैं नीचे आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, और वर्कआउट भी मैंने शुरू कर दिया है। वर्षा दीदी एडिटिंग कर रही है, आकाश एडिटिंग कर रहा है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो बस जैसे वर्कआउट खत्म होगा फिर मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। सो इन्होंने मुझे बीच में ज्वाइन किया। हाउ इज द फीलिंग ब्रो? वेरी गुड।
बिकॉज इट्स कोर डे। और कोर जैसे कि पता है सबसे मुश्किल मसल होता है ट्रेन करने के लिए, बिकॉज यह सारी एक्टिविटी में वो एंगेज होता है, तो वो जरूरी भी है करना। बट जो लगती है ना खतरनाक यार, जो लगती है ना वो जरूरी है, वो लगनी जरूरी है। yes. तो या बस मेरा ऑलमोस्ट हो गया खत्म, दीदी का थोड़ा सा रह गया, लास्ट सेट बच गया। ओके सो अभी एक मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, तो ये बेसिकली उसके लिए है जिसके मसल्स में नॉट बने होते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे पिंच करते हैं तो उसमें पेन होता है, तो उसको वो आपका एक ट्रिगर पॉइंट या फिर नॉट हो सकता है, तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह वो बता देंगे। बट या अगर आपको घर पे एक ट्रीटमेंट करना है तो मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे कि बॉल है टेनिस बॉल, इसको आप दीवार में रखोगे जहाँ पे आपका नॉट है, जैसे कि मेरा नॉट जो है वो इधर कहीं इधर है, ये यहाँ पे है, तो मैं इधर रखूँगा और फिर इधर रख के बॉल की तरफ जो है मैं प्रेशर फुट करूँगा, और जहाँ मेरे को नॉट मिलेगा उसके बाद उसको मैं प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, इसको प्रेस किया, इसको 15 से 30 सेकंड तक आप होल्ड करो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लो ऐसे करके, बीच में फिर 15 सेकंड 20 सेकंड दोबारा से रेस्ट लेके दोबारा से होल्ड कर लो, तो ये आपको थोड़ा रिलीफ दे देगा और जो आपकी पेन वगैरह होगी उसको कम कर देगा। बस मैं सोचा मैं कर रहा था तो मैं सोचा मैं आपको बता दूँ, चलो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको। और हाँ, इसको जो है सेल्फ मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं, तो या मैं नाम बताना भूल गया था। ओके सो मैं नहा धोके हो गया हूँ फ्रेश, और भाई इतना मज़ा आया, बिल्कुल बॉडी थक भी चुकी थी और एकदम से जब फ्रेशनेस की फील आती है तो आप लोगों को पता ही कितना मज़ा आता है। या बस आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग अच्छे से कर रहे हो आई नो, तो उसके लिए चुम्मी आपको। तो या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।